प्रीमियर लीग ऑलरेडी हम लोग फिलहाल एक लीग खेल रहे हैं जिसमें ऑल द बॉयज आर प्लेइंग. अभी पहली बार एक गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं और इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर हो एमेचर्स के लिए, जहाँ तक मैंने देखा, बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज एक फुटबॉल कम्युनिटी बन जाता है. तो अभी बांद्रा में है, टाउन पे है, नेक्स्ट मेरे ख्याल से रूट्स विल गो टू जुहू, फिर अंधेरी, फिर मलाड. हम करना चाह रहे हैं कि एवरीवन गेट्स टुगेदर एंड प्लेज फुटबॉल, और नॉट ओनली बॉयज, खासतौर पर लड़कियों को भी, बिकॉज दे ऑल्सो इन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल एंड वी डूइंग 5-on-5 फॉर द गर्ल्स, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग. देखा जाए तो लड़कियों को दबाया जाता है स्पोर्ट्स के मामले में, देखा जाए तो फिर क्या आप नहीं खेल सकती है, कुछ भी नहीं कर सकते आप स्पोर्ट्स में, इन स्पोर्ट्स, तो इससे क्या उन्हें बढ़ावा मिलेगा? 100% बढ़ावा मिलेगा. कम से कम एक छोटी सी एक शुरुआत है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग खेल सकते हैं, क्योंकि सब खेलना चाहते हैं. एंड इफ़ यू गिव इट अ कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिशन हो तो और चैलेंजिंग हो जाता है. एंड इट्स गुड फॉर द गर्ल्स, है जैसे मैंने कहा, एक कम्युनिटी बिल्डअप होता है. एंड एवरीबडी, मतलब जो लड़कियाँ हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स, उनके हस्बैंड्स, फैमिली, पूरी फैमिली आ जाती है यहाँ देखने के लिए. सो माहौल जो है, एक बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है. एंड एवरीवन हैज़ फन, अल्टीमेटली यू वांट टू हैव फन. और अगर आप सवाल ये पूछते कि अगर उनको एक बढ़ावा मिलता है इस प्लेटफॉर्म या स्पोर्ट्स, जैसे मैंने कहा, ये शुरुआत है. अगर शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ जाएगा. क्योंकि जहाँ मैंने देखा कि इतने सारी लड़कियाँ आना खेलना चाह रहे, टाउन से आके, अंधेरी से आके, बांद्रे से, तो पूरे मुंबई में मेरे ख्याल से जब लड़कियों को पता चल जाएगी कि इस तरह की एक टूर्नामेंट है, तो दे विल ऑल कम एंड गेट एक्साइटेड एंड वांट टू प्ले. जैसा कि देखा जाए, मुंबई जी, देखिए, फैसिलिटीज़ तो हम सब जानते हैं कि बहुत कम है, और अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ बन जाएगी, जो छोटी छोटी फुटबॉल फील्ड्स या स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई ध्यान देंगे फैसिलिटीज़ के, क्योंकि इतने सारे बच्चे लोग हैं जो खेलना चाह रहे हैं, सारे जो मैदान हैं, मैदान तो खाली है, सिर्फ मैदान है, कम से कम वो तो कुछ तो कर सकते हैं. यहाँ जो मैदान है, ऑलरेडी दे मेड इट अ फुटबॉल फील्ड, तो फैसिलिटीज़ धीरे धीरे, जब स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ भी इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि फैसिलिटीज़ बन जाएगी, और बनाना भी चाहिए. इसमें सिर्फ मुंबई की ही, ये अभी फिलहाल नहीं, ये फिलहाल अभी यहाँ शुरू किया हमने, लोकल शुरू किया, देख लेते हैं. अगर हम बेंगलोर में शुरू कर सकते, दिल्ली में शुरू कर सकते, तो कर लेंगे. अभी फिलहाल इट्स ओनली फॉर मुंबई. सोलो का क्या स्टेटस है, जो आपकी मूवी आ रही है? अभी वो रिलीज़ हो चुकी है पिक्चर, उसमें मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया, क्योंकि क्या नाम था उसका, नहीं मैं डायरेक्टर, अरे मैं भूल गया. नहीं नहीं, आई फॉरगॉट. ओके, हाँ तो रिलीज हो चुकी है, आई वाज डूइंग अ गेस्ट अपीयरेंस इन इट. अभी फिलहाल एज अ प्रोड्यूसर मैं दो स्क्रिप्ट बनना चाहता हूँ, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट इट कास्ट राइट, सो Hopefully something good soon. कौन सी? वो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ, क्योंकि पिक्चर मुझे लगता है बहुत अच्छी, बहुत, वैसे संजय लीला भंसाली की पिक्चर बहुत अच्छी होती है, और उनकी जो कैनवस है बहुत बढ़िया कैनवस है, तो मैं देखना चाहता हूँ. एज अ प्रोड्यूसर आप देखना चाहते हैं आगे, तो किस तरह की जॉनर में देखेंगे? अरे हर तरह की मूवीज आप, मतलब मैं तो एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड हूँ, तो मतलब कोई भी पिक्चर, चाहे वो एंटरटेनिंग या थ्रिलर या कॉमेडी या जो भी है, ऐसा कोई वन जॉनर नहीं देखना चाहता. सिनेमा तो सिनेमा है, हर किस्म की पिक्चर बननी चाहिए. मैंने देखा नहीं, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, पोस्टर मैंने देखा, वो भी मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो सलमान भाई है, और उनके हर पिक्चर में आई वॉच ऑल हिज फिल्म्स, तो ये भी मुझे देखना है. ठीक है, हाँ, वुमेंस लीग है तो बहुत अच्छा लग रहा है. पहली बार, और मुझे नहीं मालूम था कि जब हमें लीग मिलेगा, कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इतनी लड़कियों के साथ खेलने की. जब मुझे पूछा तो मुझे लगा कि मुझे फुटबॉल खेलना पड़ेगा, मैंने कहा कि मैं नहीं खेल सकती, राइट? Yeah, I'm going to answer in English. I think that this is an incredible opportunity for women in Bombay, to play sport, get outside, be active. For a league like this to happen, it's such a great opportunity for younger girls to see what opportunities are out there. And hopefully as the years go
by, as the league gets bigger, football becomes a bigger sport in India. As you know, as yeah. we know, cricket is huge in India, but the fact that football is one of the biggest sports in the world and is now here in India is amazing. And the fact that women have an opportunity to play is even more amazing. And it's so much fun. I'm yeah. so excited. It's something so you never fun. Get to do like at 9 p.m. on yeah, the... I started playing football recently. Oh, really? Yeah, I'm really bad, but it's so much fun. I'm really excited. It's fun to have a league. It's something that's really new for us. I'm excited. Yeah. What do you like this about the robots edition? Sorry, say it again? This is the first edition of robots. Yeah. Mm-hmm. Yeah. I think it's amazing. Just like Shibani said, I think the first time women are getting to play in a league like this, you always hear about men's leagues and football like this. And I'm really excited because I know the girls have been training really hard and I want them to have an opportunity to shine and show us how they play. Yeah. And it, you know, it's one of those things where we just... It's not really about men and women anymore. It's about just the sport being played. And, you know, the emphasis should just be on, yes, there's a men's league and yes, there's a women's league. But in this day and age, for both to have an opportunity to play this sport shouldn't even be a question. So it's great that we have leagues for everyone. And who knows, maybe there'll be a kids league soon. Yeah, and we got to make really fun logos. So. Yeah. Good. Do you like play I wish I could play. I wish we, I could we say. We own teams because we're we not own that teams, yeah. But I'm hoping to learn something from them, and I'm hoping to meet my team and hang out with them. So maybe one day. Thanks. You're welcome.